धमतरी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। दरअसल यहां तालाब में नहाने गई तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें दो बच्ची सगी बहनें और एक पड़ोस में रहने वाली बच्ची बताई जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम बेलर गांव निवासी काजल यादव, यामिनी यादव और सेविका कोराम नहाने के लिए तालाब गई हुई थी। इसी दौरान नहाते नहाते उनमें से एक बच्ची डूबने लगी, जिसको देखकर बचाने के लिए दोनों बच्ची गई थी और वहीं दोनों की भी मौत हो गई। इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई और ग्रामीणों द्वारा सिहावा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नगरी शासकीय अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना सिहावा के अंतर्गत बेलर गांव से एक दुखद सूचना मिली थी कि तीन बच्चियां जो तालाब में नहाने के लिए गई थी उनकी डूबने से मौत हो गई है, जिस पर थाना सिहावा के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जांच में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दो बच्चे एक घर के हैं और एक उनकी पड़ोसी है। ये आज सुबह की घटना है। हमने तीनों बच्चियों को पोस्टमार्टम कराया है, मर्ग कायम कर लिया गया है और उनको जाँच में लिया गया है।